मध्य प्रदेश के सतना में शादी समारोह में मारपीट की घटना हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि शादी समारोह में कुछ बदमाश घुस आए और 10 से अधिक बदमाशों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर पथराव करने की भी कोशिश की गई है। कोलवगांव के गणेश मैरिज हॉल में ये घटना घटी, जब एक शादी समारोह चल रहा था उसी वक्त कुछ बदमाश इस विवाह स्थल में घुस आए, जिसके बाद उन्होंने ना सिर्फ मारपीट की यहाँ पर लोगों के साथ बल्कि पत्थरबाजी भी की गई है। हालांकि विवाद क्यों हुआ ये जांच का विषय है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर पथराव की कोशिश इन बदमाशों द्वारा की गई है। तो फिर भी आप देख सकते हैं सतना के गणेश मैरिज हॉल की ये घटना है। कल देर रात कुछ बदमाशों ने यहाँ पर घुसकर शादी में विवाह समारोह में पथराव किया और वहाँ मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ मारपीट की गई है, विवाद की वजह क्या थी? देखिए, मामला जो है कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला इलाके का है। वहां से एक बारात जा रही थी जो कि गणेश मैरिज गार्डन की तरफ बढ़ रही थी, तभी शराब के नशे में जो कि कान्हा कुशवाहा नाम बताया जा रहा है, जो कि आदतन अपराधी है, वो और उसके कुछ साथी शराब के नशे में बारात में घुसाए और नाचने लगे, जिसका विरोध जो है बारातियों ने किया कि क्योंकि बाहरी लोग महिलाओं के बीच में आके डांस कर रहे थे, तो इस बात का विरोध बारातियों ने किया, जिसके कारण वो उस वक्त वहां से चले गए। लेकिन कुछ अन्य साथियों के साथ, अपने दर्जन भर साथियों के साथ, कान्हा कुशवाहा अपने बारातियों के साथ मैरिज गार्डन पहुंचा और वहां बारातियों के साथ जमकर मारपीट की गई। चाकू और शराब की बोतलों से हमला किया गया, जिसमें कुछ बाराती घायल भी हुए हैं। मृदुल, क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई इसके बाद जिन लोगों के साथ मारपीट की गई उनके द्वारा? बिल्कुल, बारातियों की तरफ से कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज करी। देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि पुलिस अब तक उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन पुलिस सभी की पहचान कर ली गई है और सबकी तलाश की जा रही है। जी, चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा मृदुल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिकायत जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक वहां से बदमाश फरार हो चुके थे। देखना होगा कि कब तक इन बदमाशों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बदमाशों की पहचान जरूर कर ली गई है।